नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने चैलेंजिंग क्वेश्चन यानी 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। जो बंदे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। रेलवे NTPC UP SSC UPSC लेखपाल जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, तो वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक शेयर भी करिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए जो मैं उसका क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, उसका आंसर आप लोग बताएगा। क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, तो इसमें एक क्वेश्चन दूंगा तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखिए फ्रेंड, 5 सेकंड का टाइम ले लीजिए आप लोग। भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह है, भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह कौन सा है या है? फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था ये भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह था। सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है? लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है या किताब या पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन ने दोस्तों लज्जा नामक बुक लिखी थी। तो थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में दोस्तों श्रीहरिकोटा स्थित है। चलिए चौथे प्रश्न पे हम चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़कवासला। खड़कवासला में दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, इसलिए इसका सी राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न क्या बनना है उसको देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो फाइव का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा में फ्रेंड्स हीराकुंड बांध स्थित है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सिक्स क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है दोस्तों? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दोस्तों सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियाल। रियाल दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा है। फ्रेंड्स वीडियो में कोई गलती हो इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक, तो सेवेंथ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इनकम टैक्स कौन लगाता है? इनकम टैक्स किसके द्वारा या कौन लगाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा और साथ में का ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो होती है यही इनकम टैक्स सर्विस लगाती है। ठीक, आठवें प्रश्न पे हम चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का वर्ष में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है दोस्तों? तो एट का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर दोस्तों जो होता है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन यही होता है 22 दिसंबर वाला। ठीक, तो इसे भी आप लोग ऐसा करता हूँ याद रखेंगे और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको हल कर लेंगे। ठीक, यानी कि एक अच्छा सा सही राइट लगा लेंगे। तो नौ प्रश्न हम चलते हैं। पंचमहल किस राज्य में स्थित है? पंचमहल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो नौवें का राइट आंसर दोस्तों देखो ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी दोस्तों जो है यहीं पर ही पंचमहल स्थित है, फतेहपुर सीकरी में दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बट उत्तर प्रदेश में सभी जिले पड़ते हैं, मथुरा हुआ, आगरा हुआ, आपका लखनऊ, फतेहपुर सीकरी। ठीक, तो इसलिए इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है दोस्तों? इसका टेंथ का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से दोस्तों है। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से। चलिए आज क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए, वीडियो को पूरा देखें या बीच से स्किप भी कर दें, लास्ट में जाके आप लोग कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन जरूर दिया करें। ठीक, क्योंकि क्या पता आप लोगों को वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक, तो चलिए देखिएगा उस क्वेश्चन पे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश का राष्ट्रीय पशु? फ्रेंड्स यहाँ पे राष्ट्रीय पशु ऊँट है। ठीक, ऊँट यहाँ पे लिखना है बट मैंने भूल गया, यहाँ पे ऊँट है। ठीक, किस देश का राष्ट्रीय पशु ऊँट है? ठीक, इंग्लैंड, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब। तो जिस बंदे को मालूम वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक, मालूम हो या ना मालूम फिर भी आप लोग कमेंट करिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।